हाय फ्रेंड्स, यदि आप भी एक ड्रोन खरीदना चाहते हो और यदि आपको ड्रोन पसंद है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह का टेक्निकल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम ड्रोन की तरफ चलते हैं और ड्रोन के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। ये ड्रोन हमें इस टाइप के डब्बे में मिलता है, इसके ऊपर लिखा हुआ UAV ड्रोन 4K अल्ट्रा, और इसके ऊपर ये भी मेंशन किया गया है कि 14 साल से ऊपर का बच्चा इसे यूज करे। और इसके ऊपर हमें क्या क्या मिलता है चलिए देखते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी, कैमरा मिल जाता है इसके साथ हमें इस ड्रोन के साथ, और हमें मिलता है ऑटो टेक ऑफ एंड लैंडिंग, हेडलेस मोड, जायरोस्कोप, 2.4 GHz रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, और ये 360 डिग्री पर ये फ्लिप भी करता है। मैं आपको सारा चीज़ करके दिखाऊंगा आगे के वीडियो में। और ये हमें मिलता है इस टाइप के बैग में, उस डब्बे के अंदर ये बैग था और इस बैग के अंदर ये ड्रोन था। और ड्रोन के साथ हमें क्या क्या मिलता है चलिए देखते हैं। ये है हमारा प्रोपेलर गार्ड, और उसमें दो प्रोपेलर है और एक यूएसबी केबल दिया है जिससे हम ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दो पेपर मिलता है, इसके ऊपर सारा चीज़ मेंशन किया गया है कि हम किस तरीक़ा से इसे मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको स्कैन करके या फिर RCFPV एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसे मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उसमें मोबाइल में आप इसका वीडियो शूट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, जब ये फोल्ड है तो ये कितना छोटा ड्रोन है। जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो इसका साइज लगभग डबल ट्रिपल हो जाएगा, आप देख सकते हो। और ये दिखने में बहुत ही अच्छा ड्रोन है, ये हमें ब्लैक कलर में मिलता है, और इसके ऊपर एक बटन है, जब इसे थोड़ी देर प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसके ऊपर एक LED बल्ब रहेगा रेड कलर का और दो आगे में जलेगा, और जब इसे नाइट में फ्लाई करोगे तब इसे दिखने में और ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमें एक कैमरा मिल जाता है, आप देख सकते हो, इसको आप नीचे ऊपर भी कर सकते हो। उसके बाद हमें ये एक वायर देखने को मिलता है, ये एक्चुअली में वायर नहीं है, ये वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए ये निकाला गया है। और ये है बैटरी, ये बैटरी हमें 3.7 वोल्ट का मिलता है, और ये बैटरी आपके मोबाइल चार्जर से आसानी से ये चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पिन है और उसके नीचे एक LED बल्ब जलेगा जब आप इसे चार्ज करोगे, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका LED रेड कलर का जो LED है वो बंद हो जाएगा। और इसका जो फ्लाई टाइम है ये 7 से 8 मिनट का फ्लाई टाइम है, जब इसका कैमरा को आप नहीं यूज करोगे तब, और जब आप इसके कैमरा को यूज करोगे तब ये ओनली 5 से 6 मिनट का फ्लाई टाइम देता है। और यहाँ पे आप अपने मोबाइल को यहाँ पे फिक्स कर सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो एट ए सिंगल टाइम। और ये हमें दो थ्रोटल मिलता है, ये ऊपर और नीचे करने के लिए, और इस साइड करोगे तो आप ये जो है ड्रोन इस टाइप से रोटेट होगा, और दूसरी तरफ इसे घुमाओगे तो इस टाइप से रोटेट होगा। और ये है आगे पीछे दाएं बाएं करने के लिए ये दूसरा थ्रोटल, और यहाँ पे बहुत सारा बटन दिया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये बटन लैंडिंग के लिए है, जब मतलब कहीं पर ड्रोन है आपको आपसे मतलब कि ये आपके रेंज से बाहर जा रहा है तो उस बटन को आप प्रेस कर दो, वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा और धीरे धीरे आएगा। और उसके बाद सारा बटन जो है वो यूजलेस है, सही से काम नहीं करता है। मैं इसे बहुत बार यूज करके देखा, ये सही से काम नहीं करता है। और इसके पीछे डबल ए बैटरी लगता है, और ये जो डबल ए बैटरी है ये इस ड्रोन के साथ हमें कंपनी नहीं देता है, सिर्फ ड्रोन का ही बैटरी हमें कंपनी देती है। ये आप देख सकते हो, जब हम इसे ऑन किए, और रिमोट के ऊपर भी एक मेन बटन है, उसे जब आप एक बार प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम इस ड्रोन को फ्लाई करके देखते हैं। एक्चुअली में ये ड्रोन आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हो, लेकिन इसका वीडियो का क्वालिटी भी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वीडियो का क्वालिटी आप इससे वीडियो बना ही नहीं सकते हो, या फिर फोटो भी नहीं ले सकते हो। इस ड्रोन का वीडियो का क्वालिटी एक्सेस गंदा है। यदि आप इस ड्रोन को परचेज करना चाहते हो तो आप अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए परचेज कर सकते हो। ये सही से काम करता है रिमोट के द्वारा, सिर्फ ऊपर नीचे दाएं बाएं चलता है, और हवा का जरा भी प्रेशर आए तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाता है, हवा के प्रेशर से इधर से उधर चले जाता है। यदि आप इस ड्रोन को कोई वीडियो बनाने के पर्पज़ से या फिर कोई काम के पर्पज़ से ले रहे हो तो आपके लिए ये ड्रोन नहीं है। ये जो ड्रोन है इसका बॉडी इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ये ऊपर से भी गिर जाता है या फिर दीवार में टकरा जाता है तो ये उतना जल्दी डैमेज नहीं होता है, क्योंकि इसका इस टाइप का प्लास्टिक से बनाया गया है, पूरा लचीला है। इसका जो प्रोपेलर है वो लचीला है, टकराने से भी नहीं टूटता है। मैं जो इसे फ्लाई कर रहा हूँ बिना प्रोपेलर गार्ड के ही फ्लाई कर रहा हूँ, और बहुत बार हमसे मैं जब इसे रूम में फ्लाई कर रहा था बहुत बार ये दीवार से टकराया, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस ड्रोन के डब्बे पर लिखा हुआ था 360 डिग्री फ्लिप करता है, जायरोस्कोप की तरह काम करता है, लेकिन ये सारा फीचर्स इसमें वर्क नहीं करता है। मैं इसे बार बार ट्राई किया लेकिन ये सारा फीचर इसमें वर्क नहीं करता है। हाय फ्रेंड्स, इस ड्रोन को मैंने अमेजन से परचेज किया, और इसका प्राइस है
5299 यानी कि 5299 रुपये। पेड़ में ड्रोन के बारे में सारा चीज़ बता दिया हूँ। यदि आपको इसके बाद ये ड्रोन पसंद आता है तो आप इस ड्रोन को परचेज कर सकते हो।